Hello everyone, in this video we will do exercise 3.4 based on elimination method to solve the pair of linear equation in two variables, chapter 3, class 10. So let's begin with the introduction part. Steps used to solve the given problems by the elimination method are as follows. देखिए मेरे को स्टेप्स को फॉलो करना है गिवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड्स. सो लेट्स बिगिन विद स्टेप नंबर वन. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली एंड रिप्रेजेंट द अननोन बाय द वेरिएबल एक्स एंड वाई एटसेट्रा. समझिए, देखिए सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम्स गिवन है उनको ध्यान से पढ़िएगा, केयरफुली पढ़ना है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है. देन जो अननोन क्वांटिटीज है हमारे पास उनको आप विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई. आप डिफरेंट वेरिएबल भी चूज कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द बुक्स जो फॉलो कर रही हैं वो वेरिएबल एक्स एंड वाई को फॉलो करती हैं, तो आप भी एक्स वाई को फॉलो कर सकते हैं. नाउ द स्टेप नंबर टू, यूज द कंडीशंस गिवन टू फॉर्म द इक्वेशन इन द अननोन वेरिएबल एक्स एंड वाई. जो हमें कंडीशंस गिवन है इक्वेशन में, जो प्रॉब्लम में, उन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई. Now, in the step number 3, write the given equations in the form of a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2 and make the coefficient of one variable either x or y in both the equations numerically equal. हमें क्या करना है, सबसे पहले given equation जो हमने form कर लिया second step में, उनकी help से जो इक्वेशन बनाई है उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेना है, लाइक a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2. कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट साइड में रखेंगे टू सॉल्व करने के लिए. इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में रखेंगे एंड मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइदर एक्स और वाई इन द बोथ इक्वेशन न्यूमेरिकली इक्वल. मीन्स हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है आइदर एक्स का कोएफिशिएंट मीन्स a1 और a2 को सेम कर लेंगे और B1 और B2 को कोफिशियंट्स को जो हमारे पास B1 और B2 कोफिशियंट्स हैं उनको इक्वल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट. हम किसी कांस्टेंट की हेल्प से इन कोफिशियंट्स को इक्वल कर लेंगे. देन क्या करना है हमें, देखिए स्टेप नंबर 4, नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस. अब हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है एज पर सिचुएशन, सो दैट वन वेरिएबल इज एलिमिनेटेड. एक वेरिएबल को हमने फिनिश करना है, एलिमिनेट करना है एंड रिमेनिंग इक्वेशन हैज वन वेरिएबल. अब एक एलिमिनेट हो चुका है तो हमारे इक्वेशन में क्या बचेगा, एक ही वेरिएबल बचेगा. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल एक्स ओ वाई. अब हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करने के बाद एक वेरिएबल बचा, उस वहां से इक्वेशन सॉल्व करके हमें उस वन वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, आइदर इट मे बी एक्स और इट मे बी वाई. नाउ द लास्ट स्टेप इज, नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशन. जो हमने इक्वेशन फॉर्म किया स्टेप नंबर 3 में उसमें पुट करिएगा टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल्स. अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेप नंबर 3 में जो इक्वेशन हमने फॉर्म किया है वहां वैल्यू पुट कर देंगे. दस वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सो ये सारे आपके सामने जो हमने स्टेप डिस्कस किए हैं उन्हीं स्टेप्स को हमें फॉलो करना है गिवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बाय द एलिमिनेशन मेथड. दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड. नाउ वी विल डू द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड. देखिए मैं क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें उनको इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से. देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, सो इस एक्सरसाइज में हम सभी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. सो अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद पार्ट नंबर 1. एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4. These are the given equations. So we can say given equations are x plus y equals to 5. This is equation number 1. And second equation is 2x minus 3y equals to 4. So now recall the basic concept. टू सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड. देखिए हम सबसे पहले क्या करते थे,
सबसे पहले हमें कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाना है, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। कॉन्स्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में पहले से हमें गिवन है। सो अब हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के कोफिशियंट को इक्वल करेंगे। आप देख सकते हैं एक्स का कोफिशियंट फर्स्ट इक्वेशन में कितना है, 1 है, और यहाँ एक्स का कोफिशियंट कितना है, 2 है। वाई का कोफिशियंट कितना है, 1 है, और वाई का कोफिशियंट कितना है, -3 है। सो हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशियंट को सेम कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद द कॉन्स्टेंट टर्म। अब हमें देखना है किस कौन से कोफिशियंट का हम सेम करने वाले हैं, किस कोफिशियंट को हम सेम करने वाले हैं, एक्स को और वाई को। देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप ऐड करना चाहते हो इक्वेशन को या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो। अब देखिए अगर मैं वाई को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x + 3y = 15। अब 3y बन जाएगा या -3y, हम ऐड करने से फिनिश कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल को। अगर आप एक्स का कोफिशियंट सेम करना चाहते हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गिवन इक्वेशन फर्स्ट को। सो 2x + 2y = 10 हो जाएगा, 2x 2x को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसा सोचते हैं, कैसा चाहते हैं। सो नाउ मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, वाई के कोफिशियंट को सेम कर रहा हूँ। सो नाउ और यू कैन से ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 3 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो हमें क्या मिलेगा, 3 × x becomes 3x एंड 3y एंड = 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस। सो नाउ अब ऐड कर लीजिए इन इक्वेशंस को, देखिए आप यहां देख सकते हैं -3y है, यहां +3y, सो अब ऐड कर सकते हैं। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए जरा इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे आप। सो वी हैव 2x - 3y = 4 एंड 3x + 3y = 15। हमें ऐड करना है इक्वेशंस को, अब ऐड करना तो ये देखिए -3y + 3y will be cancelled एंड 2x + 3x becomes 5x एंड हेयर 4 + 15 becomes 19। सो एक्स विल बी 19/5, सो नाउ वी हैव एक्स एज 19/5। अब आप देखिए इस एक्स की वैल्यू जो कि 19/5 है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आइदर 1 or 2 or 3, बट हम पुट वहां करेंगे जहां हम आसानी से अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 पे आप एक बार नजर डालिए, x + y = 5 हमारे पास है, और एक्स की वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर दें यहां तो वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 19/5 + y = 5। सो नाउ वाई विल बी 5 - 19/5 एंड नाउ टेक द एलसीएम, यू कैन सी हियर 5 × 5 = 25 -19 becomes 6, सो दिस विल बी 6/5। सो वाई हमें कितना मिल चुका है, 6/5 मिल चुका है, एंड दीज आर द वेरिएबल्स whose value are 19/5 and 6/5। So thus we can say, thus x = 19/5 and y = 6/5 are the required solution of the given pair of linear equations. So this is all about part number 1. You can pause the video and note it down. In the next part, we have given equations are 3x + 4y = 10 and the second equation is 2x - 2y = 2. हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सो वी विल राइट हियर, गिवन इक्वेशंस आर 3x + 4y = 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकंड इक्वेशन इज वी हैव दैट इज 2x - 2y = 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक्स को याद रखना होगा। सबसे पहले हम देखना है कि राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म्स है कि नहीं है, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमें क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में गिवन है, दैट इज राइट फॉर अस। नाउ अब देखिए हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशियंट को सेम करना है, इक्वल करना है। आप देख सकते हैं एक्स का कोफिशियंट फर्स्ट इक्वेशन में 3 है और सेकंड में क्या है, 2 है। इनको इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यह हम क्या कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में वाई का जो कोफिशियंट है वो 4 है और सेकंड में क्या है, -2 है। अगर इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 4x - 4y = 4।
देखिए 4y एंड 4 माइनस 4y विल बी कैंसल्ड. सो हम देखिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी कैन राइट हियर ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2 वी गेट इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 बिकम्स 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 22 बिकम्स 4. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, प्लस 4y है और यहाँ क्या है, माइनस 4y, इनको ऐड कर दिया जाए तो कैंसिल हो जाएंगी. सो आप राइट कर सकते हैं नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3. अब आप 1 एंड 3 को आप ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हैं. सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा देखिए जरा. देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है एंड थर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 है. सो उनको ऐड कर दीजिए. आफ्टर एडिंग देखिए प्लस 4y एंड माइनस 4y विल बी कैंसिल्ड. सो 3x प्लस 4x बिकम्स 7x एंड हियर 10 प्लस 4 बिकम्स 14 और यू कैन से x विल बी 14 अपॉन 7, 7 टू जो 14. नाउ वी हैव x एज 2. एक्स हमें क्या मिल चुका है, 2 मिल चुका है. अब एक्स की वैल्यू 2 हमें मिल चुकी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आइदर 1 आइदर 2 और 3. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में आप, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10. 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी है. सो दिस विल बिकम 3 इंटू 2 बिकम 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड नाउ दिस 4y विल बी इक्वल्स टू 10 एंड दिस 6 विल बी ट्रांसफर्स टू द राइट हैंड साइड बिकम नेगेटिव. सो दिस विल बी 10 माइनस 6. सो हेयर दिस विल बी 4 एंड वी हैव 4y इक्वल्स टू 4 और यू कैन से y इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, दिस विल बी 1. सो नाउ वी हैव y as 1. दस वी गेट द वैल्यू ऑफ x as 2 एंड y as 1 और दस यू कैन राइट हेयर दस x as 2 and y as 1. This is all about part number 2, question number 1. So you can pause the video and note it down. The next part, that is part number 3, we have given equation as 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x equals to 2y plus 7. देखिए हमारे पास जो equation है वो standard form में नहीं है, हम इसको सबसे पहले standard format में write कर लेते हैं. So here we can say given equations are स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं. सो दैट दिस विल बिकम 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4. देखिए माइनस 4 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकंड इक्वेशन देखिए 9x इक्वल्स टू 2y है, तो 2y को हम लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे सो दैट हमारे पास क्या मिल जाएगा, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है और सेकंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है. अब किसी एक वैल्यू, किसी एक वेरिएबल के कोफिशियंट को हमें सेम करना है, इक्वल करना है, आइदर x और y. आप देख सकते हैं x का कोफिशियंट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या होगा, 3 3 9, सो ये 9 यहाँ पे सेम हो जाएगा आप देख सकते हैं. इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. सो यू कैन राइट हियर ऑन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 3 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा देखिए जरा. फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 3 9x माइनस 5 3 15 वाई इक्वल्स टू 4 3 12. सो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड जनरेट हो चुकी है. अब आप देख सकते हैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में भी हमारे पास क्या 9x है, थर्ड में भी 9x है, बोथ आर पॉजिटिव, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो नाउ आप राइट कर सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट. देखिए हमने क्या राइट किया है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, मैं थर्ड इक्वेशन से क्या कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन को राइट कर रहा हूं. सो दैट सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन को राइट करेंगे, 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12 एंड नाउ द सेकंड इक्वेशन इज 9x माइनस 2y equals to 7. So on subtraction sign will be changed.
So this positive will be negative, and this negative will becomes positive, and this positive becomes negative. So 9x minus 9x becomes cancelled. ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास माइनस 15 एंड प्लस 2. नाउ दिस साइन विल बी काउंटेड. इस साउंड को हमें इस साइन को काउंट करना है, दैट इज पॉजिटिव साइन हमें काउंट करना होगा अभी. सो माइनस 15y प्लस 2y बिकम्स माइनस 13y. सो दिस विल बी माइनस 13y एंड हियर यू कैन सी हियर 12 माइनस 7. सो दिस विल बिकम 5. सो और यू कैन राइट एज y एज 5 अपॉन माइनस 13, और यू कैन राइट y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13. सो नाउ वी हैव y एज माइनस 5 बाय 13. पुट द वैल्यू ऑफ y इन द any one of the equation, either 1 or 2. So now from equation 1, now from equation number 1, from equation 1, आप 1 में put कर दीजिए value. So 3x minus 5y, that is minus 5 by 13 equals to 4. So 3x, open the bracket, this minus minus become plus. ये negative negative sign देखिए, आपस में multiply होंगे तो क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा. 5 into 5 becomes 25 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4, और यू कैन राइट एज 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25 बाय 13, और 3x विल बी इक्वल्स टू एलसीएम ले लीजिए इनका, 13 वन जो 13, सो 13 फोर जो 52, एलसीएम क्या हो जाएगा 52 आ जाएगा. 13 वन जो 13, 1 इंटू 25 बिकम्स 25. सो आप देख सकते हैं 52 minus 25 becomes 27. So this is 27 by 13. Or you can write here 3x as 27 by 13. And x will be 27 by 13 into this 3 will be transposed to the right hand side and becomes 1 by 3. So this will be 3 9 ja 27. So we have x as 9 by 13. हमें x क्या मिल चुका है 9 by 13, and y क्या मिल चुका है minus 5 by 13. Thus you can say, thus x equals to 9 by 13 and y equals to minus 5 by 13. These are the required solution of the pair of linear equation. So this is all about part number 3. Question number 1, you can pause the video and note it down. In the next part, that is part number 4, we have given equation as x by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1 and x minus y by 3 equals to plus 3. So देखिए हमें equation क्या है, सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, देन हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, गिवन इक्वेशंस आर x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इक्वल्स टू माइनस 1. देखिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डिनोट नहीं करेंगे अभी तक, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा. सो टेक द एलसीएम, सो 2 एंड 3 विल गिव अस द एलसीएम एज 6. सो 2 3 इज 6, so 3 into x becomes 3x plus 3 to the 6, 2 to the 4, so this will be 4y equals to minus 1, or you can write it as 3x plus 4y equals to minus 6. This is equation number 1. So and second equation we have x minus y by 3 equals to 3. आप देख सकते हैं x minus y by 3 equals to 3. So take the LCM, this will become 3x minus y. So 3x minus y by 3 equals to 3. So or you can write it as 3x minus y equals to 9. So now we have two equations in the standard form. First one is 3x plus 4y equals to minus 6, and second one is 3x minus y equals to 9. सो अब हमें एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है. आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या 3x plus 4y है, और सेकंड में देखिए क्या हमारे पास 3x minus y है. तो आप देखिए x के कोफिशियंट हमारे पास पहले से ही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और y के कोफिशियंट देखिए अब 4 है. अगर इसको इक्वल करना है तो हमें सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं. देखिए x के कोफिशियंट पहले से इक्वल हैं, सेम है. सो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो यू कैन से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, और राइट वी कैन राइट हियर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 from 2, or 2 from 1 you can say. So 1 from 2 आप subtract करें equation 1 from 2, so we will get, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए first of all आप 2 से subtract करें, so आप second equation को first write करेंगे, and first को
अभी राइट करेंगे प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6। अभी आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो साइन विल बी चेंज्ड हियर, दिस विल बी आल्सो चेंज्ड, नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। सो प्लस 3x माइनस 6 विल बी कैंसल्ड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, एंड सो नाउ हियर यू कैन सी माइनस वाई एंड माइनस 4y, माइनस वाई एंड दिस चेंज साइन इज माइनस 4y, सो माइनस 4y एंड 5 बिकम्स माइनस 5y, सो यू नो माइनस माइनस बिकम प्लस बट साइन रिमेन सेम, सो माइनस 5y इक्वल्स टू 9 प्लस 6 बिकम 15, और यू कैन से y इक्वल्स टू 15 अपॉन माइनस 5, दिस 5 थ्री जो 15, सो y विल बी माइनस 3, सो नाउ वी हैव y एज माइनस 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 हमारे लिए इजी है, हम यहां पुट कर देते हैं, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सो द वैल्यू ऑफ x will be 3x minus y, and y you know here we have minus 3 equals to 9, so 3x minus minus become plus, this will be plus 3 equals to 9, and 3x will be 9 minus 3, or 3x will be 6, or x will be 6 upon 3, 3 to just 6, so now x we have as 2, x will be 2 mil chuki hai, aur y hume kya mil chuka hai, minus 3, so aap write kar sakte hain, thus x equals to 2 and y equals to minus 3. This is all about part number 4. If you learn from this video, then you can share this video as much as you can. And if you learn from this video, then please share this video as much as you can. Thanks for watching.